नमस्कार, मैं हूँ रंगीला 2.0 का आवाज में। आप देख रहे हैं G2.0 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज हम फाइनली कोसी नदी पर आ गई हैं, जो कि नेपाल से चलकर पानी आती है और बिहार के सोख नदी मानी जाती है। सुपौल, सहरसा, दरभंगा में खतरा मंडरा रही है बाढ़ के पानी से। हालांकि 1968 में कोसी नदी की जलस्तर रिकॉर्ड किया गया था इतना, लेकिन उससे बढ़कर अब तक 6 लाख पार कर गया है। हालांकि हमारे संवाददाता और कई अन्य सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पटना में फिर से गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। अगर इस तरह का बारिश होते रहेगा, गंगा नदी समेत कई नदी नहरों में फिर से बाढ़ आने की संभावना है। हालांकि गूगल के मौसम विभाग वेबसाइट से विशेष रूप से बात विचार करने के मुताबिक से जानकारी मिला है कि 4-5 अक्टूबर तक 60-70% तक बारिश होने की संभावना है, आंधी तूफान गरज के साथ। जिस तरह इंद्र भगवान गरज रहा है, ये रोड मुंगेर भागलपुर NH-80 रोड है, जो कि इस रूट लाइन की यातायात रोड खराब होने के कारण से पूरी तरह से ठप हो गया है। ये जो देख रहे हैं, ये कोई गंगा नदी की जलस्तर नहीं है, बल्कि बारिश का पानी है। हालांकि गंगा नदी की जलस्तर यहां तक पहुंच गया था, लेकिन अब नीचे हो गया है। रोड इतना खच्चा खुच्ची गड्ढा गुड्ढी है, जिसके कारण से लग रहा है कि गंगा नदी की जलस्तर का पानी है। ये नजरिया यहां की नहीं है, बल्कि बरियारपुर, कल्याणपुर, घोरघट समेत सुल्तानगंज, भागलपुर तक इसी तरह NH-80 की दुर्गति है। इस रोड पर खच्चा के कारण से, गड्ढा के कारण से कई व्यक्तियों की हाथ पैर टूटा है। कई तरह की घटना दुर्घटना रिकॉर्ड की गई है, कई तरह की पेपर मीडिया में छपा है, फिर भी रोड क्लियर नहीं हो रहा है। बरियारपुर से सुल्तानगंज के बीच में रोड बनना चालू हो गया है, जो कि सरस्वती नगर के आसपास आ गया है। ये वीडियो झरकावा, सरस्वती नगर, बुढ़िया काली स्थान और छोटी काली स्थान के बीच का है। ये कोई बाढ़ का पानी नहीं है, बल्कि बारिश का पानी है। हालांकि 24 घंटा से लगभग मौसम ठीक ठाक है। 4-5 अक्टूबर तक 60-70% बारिश होने की संभावना है, आंधी तूफान गरज के साथ। Thank you.